उत्तर प्रदेश जिला बरेली में माँ मुझे माफ कर देना कहकर खा लिया जहर कपड़ा व्यापारी पर कई महीनों का वेतन न देने का आरोप। सुसाइड नोट पर लिखा मेरी मौत का कारण मेरा मालिक है। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती है युवक। आपको बता दें मामला है कैंट स्थित कपड़ा। मालिक ने कई महीनों का वेतन नहीं दिया तो पितरी निवासी युवक ने जहर खर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे बेहद गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। इसमें लिखा था मालिक ने कई महीनों से वेतन नहीं दिया जिस कारण वह आत्महत्या कर रहा है। मरीज की हालत जानने दो थानों की पुलिस पहुंची। बेटे की हालत देख उसकी माँ को गहरा सदमा लगा। महिला की स्थिति मानसिक रूप से कमजोर हो गई है। वह बेटे की सलामती के लिए हर पल दुआ कर रही है। युवक के घर वाले सुबह SSP कार्यालय पहुंचे। मेरा भाई काम करता था एक डेढ़ साल से का नाम किसी के पास नकटिया पर घर नगर में कपड़े का दुकान में काम करता था महीने पर। तो इसलिए पैसे नहीं मांग रहा था महीने के महीने हफ्ते जब मेरा हमारा घर नहीं है। हम किराए पर रहते हैं पहले अब मेरे गांव में रहने लगे हैं। वहाँ जमीन पड़ोस बाप देता की पहले की ऐसी 70-80 गज पड़ी हुई है उसमें आने के चक्कर में हम काम कर रहे थे मेहनत से। तो बहन भैया ने पैसे नहीं मांगे थे इसलिए के चक्कर में तो पैसे लेंगे खर्च जाएंगे तो इकट्ठे कर रहे थे। भैया इकट्ठे मांगे थे आज एक महीने से मांगा था भैया तो टाल देते पैसे दे दूंगा तो दे दूंगा। आज रात में मैंने भैया बुलाया था भैया को बुला पैसों के लिए बुलाया था भैया को कि पैसे ले जाओ अपने रात बुलाया था डंडों से खूब मारा भैया कमरे बंद करके। किसने मारा? बबलू ने। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसका मुझे पता ही नहीं सर मैं था नहीं घर पर। तो घर पर मैं आया था तो उसने जब मैंने देखा घर पर बहुत भीड़ लगी हुई थी तो सब सारे लोग ले गए थे अस्पताल फैज अस्पताल। क्या आपने भाई ने फांसी लगाई थी या जहर खाया था? उसकी पिटाई से शर्म के मारे हाँ जो बोलो जो बोले थे अगर तूने अपने किसी को बताया तूने किसी को तो तेरे भैया को मरवा दूंगा और तेरे टुकड़ा दूंगा तो घर वालों को मरवा दूंगा। बबलू कौन है? इसी वजह से अगर मैंने मेरे जगह मारा था ना उन लोगों ने इसको शिकायत करी तो मरवा दूंगा। तो हर भैया ने चक्कर में सुसाइड करने गया और उस पर लिख दिया इसकी वजह से बबलू अकर्म रेशमा। क्या हुआ था? उन्होंने पहले मारा मार के उसके बाद मैंने कहीं किसी को बताया तो और मार दूंगा जान से मार दूंगा और जहर भाई को मरवा दूंगा और जहर ले जा घर जाकर खा के मर जाइए बताइए मत किसी को हमने मारा तुझे। उन्होंने खा लिया हम लोगों को पता चल गया उल्टी करवाए भर्ती करके आए फैज हॉस्पिटल में। हाँ।